ये हादसा फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुआ, जहां मुजफ्फरनगर से बिहार जा रही टूरिस्ट बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें दो दर्जन से अधिक यात्री बुरी तरह घायल हो गए। सभी घायल यात्रियों को यूपी डायल 100 और 108 एम्बुलेंस की मदद से शुकाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहाँ सभी यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिया गया। बाकी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पलटी हुई बस और ट्रक को क्रेन की मदद से सड़क किनारे कराकर एक्सप्रेस वे को सुचारू रूप से चालू कर दिया। शुकाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है। ये शैलेंद्र जी, कैसे क्या हादसा हुआ ये? ये हम लोग मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में आगे ट्रक जा रही थी, पीछे से बस से टक्कर हो गई और दूसरे तरफ बस आ गई, उसमें 30-25 आदमी घायल हो गए हैं। ये हादसा कहाँ पे हुआ? ये हादसा आगरा के लगभग 68 किलोमीटर पहले हुआ, 65 किलोमीटर करीब पहले। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये हम लोग मुजफ्फरपुर से। क्या मामला रहा है? ये जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस थी जो आ रही थी, वो जो है डिवाइडर से टकरा के पलट गई, जिसमें काफ़ी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास 16 पेशेंट आए हैं, जिसमें से हमने 5 मरीजों को गंभीरता को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया।